असलम डियर इस्टूडेंट आज हम यूनिट नंबर वन से शुरू करेंगे और यूनिट नंबर वन मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल से लिया है जो मार्था क्रिप्टन ने लिखा है और आर्टिकल का रेफरेंस जो है वो स्लाइड में मौजूद है ये आर्टिकल आपको फ्री अवेलेबल है आप इसको इंटरनेट से एक्सेस कर सकते हैं सो so, सवाल ये पैदा होता है कि हम बच्चों को लिटरेचर क्यों इंट्रोड्यूस करवाएं और वो भी इतनी छोटी एज में तो जब आप इस यूनिट को पढ़ लेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारी कॉग्निटिव नीड का की पर्पस ये है कि हम अपना ओपिनियन डेवलप करना जानते हैं और हमें अपना ओपिनियन डेवलप करना चाहिए तो हम बच्चों को बहुत छोटी उम्र से लिटरेचर इंट्रोड्यूस करवाते हैं ताकि वो कहानी के इवेंट्स देखें उनके करेक्टर्स देखें उसका प्लॉट देखें और वो अपना ओपिनियन डिवेलप करें कि कहानी कितनी इंटरेस्टिंग है ये सही है या गलत है कौन सा करेक्टर वो चेंज करना चाहते हैं या उनका क्या ख्याल है उन्हें ये पसंद आया या नहीं पसंद आया सो लेट्स बिगिन इट अप काग्नेटिव नीड्स होती क्या है हम कॉग्नेटिव नीड में जंप इन करने से पहले एक दफ़ा ये सोच लेते हैं कॉग्निशन का इंतहाई सिंपल मायने हैं सोचना तो so हम ये चाहते हैं कि बच्चे एकेडमिक जर्नी में एंटर होते हैं तो उन्हें एकेडमिकली सोचना है मुख्तलिफ डोमेन्स में इंग्लिश में सोचना है मैथ की प्रॉब्लम्स के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए सोचना है साइंस की प्रॉब्लम है उनके सॉल्यूशंस को सोचना है सो लिटरेचर हेल्प करता है बच्चों को सोचने के लिए सो so ये हमारी बेसिक कॉग्निटिव नीड है कैसे करता है लिटरेचर के अंदर हमारे पास कहानियां हैं उसमें इवेंट्स हैं उसमें इस्ट्रेशन हैं उसके अंदर बहुत सी तस्वीर हैं बहुत सी करेक्टर्स हैं जो मुख्तलिफ़ एक्शन कर रहे हैं बच्चे सोचते हैं क्या ये एक्शन इंटरेस्टिंग है क्या ये एक्शन सही है अगर कोई और एक्शन करता तो कैसा होता और वो अपनी ओपिनियन बिल्डिंग करते हैं तस्वीर को देख के इवेंट्स को देख के करैक्टर्स के बिहेवियर और प्लॉट को देख के दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कॉग्निशन में हमें हेल्प मिलती है लिटरेचर के थ्रू जब लिटरेचर आपके अंदर एक डीप थिंकिंग प्रोसेस डेवलप करता है ये कैसे करता है ये इंटरकनेक्टेड है हमारे इमोशंस के साथ जब हम डीपली सोचना शुरू करते हैं कि ये ऐसा क्यों हुआ या ये कुछ और भी हो सकता था क्या हमेशा इस एक्शन का यही हल निकलेगा तो डीप थिंकिंग लिटरेचर फैसिलिटेट करता है और हमारे पास क्या है हमारे पास ये है कि क्वालिटी लिटरेचर हेल्प करता है बच्चों को ताकि उनका थिंकिंग प्रोसेस डेवलप हो अच्छी इलस्ट्रेशन बच्चे एनालाइज करते हैं वो सोचते हैं इस इवेंट में क्या हो रहा है इस कहानी में क्या चल रहा है आ, वो डायलॉग डेवलप करते हैं स्टोरी का जब आप उनसे बातें करते हैं तो वो आपको डिस्क्राइब करते हैं वो आपसे सवाल करते हैं उसकी एक्सप्लेनेशन देते हैं और क्या होता है उनकी लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है ऑफ कोर्स सो ये सब कैसे होता है होता है भी या नहीं इसको हम एक कहानी में देखते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है इट्स अ वर्डलेस बुक जिसके अंदर कोई भी वर्ड्स मौजूद नहीं है और ये कहानी हमारे के लिए परफेक्ट कहानी है जब हमारे पास ढाई साल का बच्चा आता है और वो बिल्कुल रीडिंग नहीं कर सकता या अभी वो अल्फाबेट्स और वर्ड्स को सकताइज नहीं करता ये कहानी एक इंटरेस्टिंग कहानी उसके सामने आती है कहानी का नाम है फ्लाई कहानी लिखी किसने है मार्क ठीक ने और ये कहानी क्या है इस कहानी में हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि इस सीन में क्या हो रहा है एक माँ अपने बच्चे को खाना खिला रही है और वो मदर बर्ड है और ये बेबी बर्ड है जब हम इसमें आगे बढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि बेबी बर्ड की आंखें खुल गई हैं और वो मदर बर्ड उसके लिए खाना तो लाई है पर वो उसके पास नहीं आ रही क्यों नहीं आ रही क्या वो सोच रहा है मदर बर्ड उसे डिमांड करती है कि आज तुम उड़ के मेरे पास आओगे इसमें एक एक्सीडेंट हो जाता है और बेबी बर्ड नीचे गिर जाता है और उसके बाद दोनों हैरान और परेशान हो जाते हैं ये क्या हुआ मैं तो दरक से नीचे गिर गया अब मैं ऊपर कैसे जाऊंगा? ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है जब आप इसकी पिक्चर्स देखेंगे तो बेबी बर्ड इंतहाई इंटरेस्टिंग किस्म की चीज़ें जो हैं सजेशन अपनी मदर को दे रहा है आ, जैसे कि वो कहता है कि आप मुझे अपने ऊपर उठा के ले जाएं। मदर बर्ड कहती है मुमकिन नहीं है देन द सेकेंड सजेशन वॉट अबाउट द पैराशूट एंड देन मदर बर्ड थिंक आमकिन नहीं है देन वट हैपन आप फिर वो बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की बातें अपनी मदर से शेयर करना शुरू कर देता है क्या हम फ्लोरिडा जा सकते हैं अगर हम साइकिल के ऊपर चले जाएं और मदर बर्ड उसके इंटरेस्टिंग किस्म के के सजेशन देख उन्हें बताती है कि बेटा अगर तुम मुझे ऐसी देते रहे तो यहाँ बहुत से एनिमल्स हैं जो आपको खा सकते हैं और योर लाइफ इज अंडर एंड सो डिफरेंट सजेशन देते देते आ, आपके पास इंटरेस्टिंग सजेशन बेबी बर्ड देता है कि हम ट्रेन पे जा सकते हैं हम कार पे जा सकते हैं हम पोगोस्टिक के ऊपर बैठ के जा सकते हैं और फाइनली मदर बर्ड उसे कन्विंस करती है यू हैव वेरी इंटरेस्टिंग सजेशन बट नॉट प्रैक्टिकल ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती ये कहानी यहाँ से शुरू होती है ये कहानी इंटरनेट पे फ्री अवेलेबल है आप इसको जाएं फाइंड आउट करें और ज़रा पढ़ के देखें इस कहानी में पिक्टोग्राफी में क्या हो रहा है अगर आप बच्चों से डिस्कस करेंगे तो बच्चे इससे हंसेंगे भी इंजॉय भी करेंगे और आपको इंटरेस्टिंग चीज़ें भी बताएंगे क्या सवाल पूछ सकते हैं आप बच्चों से ये कहानी उनसे डिस्कस करने के बाद कौन सी ऐसी चीज है जो बेबी बर्ड ने नहीं बताई कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं लाइक फनी स्टोरी या कोई ऐसी फनी चीज जो रह गई है तो विल गोइंग टू गिव यू वेरी इंटरेस्टिंग सजेशन थैंक यू सो मच स्टूडेंट अब हम मिलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर